आप गेट खोलोगे ना, सीट आपका वेलकम करती है पीछे जाके। देखो ये पीछे जा रही है पूरी सीट, चला गया। और यहाँ देखो गुड बाय, निकल लो। मतलब गाड़ी आपका वेलकम भी करती है, गुड। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। और आज हम एक और लेके आया हूँ भाई, अपने महिंद्रा का धमाका हुआ है। ये धमाका भाई, इस महिंद्रा के तूफान में मेरे को सबसे अच्छी चीज लग रही है इसका कलर। जो भाई कलर बहुत तगड़ा है इसका यार, ब्लू कलर में, ये इलेक्ट्रिक ब्लू जिसको बोलते हैं, काफी तगड़ा लगता है। सबसे प्यारा ये कलर आता है इस गाड़ी में। वैसे तो इस गाड़ी में काफी सारे ऑप्शन आते हैं। और ये गाड़ी का मैं बता देता हूँ, ये है भाई AX7। आज हम इस गाड़ी का पूरा भाई वॉक अराउंड करने वाले हैं। इस गाड़ी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और कितनी भाई महिंद्रा का टोरा तो पहले से ही बहुत ज्यादा था भाई। इस गाड़ी के आने के बाद महिंद्रा का टोरा और बढ़ गया है। महिंद्रा मतलब अपनी इंडियन जो कंपनी है भाई, हर चीज में आगे जा रही है। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले भाई इस महिंद्रा की और भी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां हैं, जिसका एग्जाम्पल जितना ज्यादा एग्जाम्पल भाई ये खड़ी है अपनी महिंद्रा की थार। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं भाई महिंद्रा की XUV 700, जो भाई मतलब इस गाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया था भाई। इतनी बुकिंग हो गई थी इसकी कि कंपनी उसको फुल फिल ही नहीं कर पाई, इस वजह से भाई इतनी ओवर वेटिंग हो गई इस गाड़ी की। और अभी आप लेना चाहो तो भाई आके यहाँ से ले सकते हो। महिंद्रा का ये है भाई नारायण ऑटोमोबाइल लखनऊ में, भाई विकास नगर में ये आपको मिल जाता है। यहाँ पे आके आप बुक करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भाई इसके जो चेंज लोगो की। ये लोगो आप देख रहे हो भाई, ये क्रोम फिनिश में आपको मिल जाता है। यहाँ पे इस गाड़ी में आपको हेडलाइट मिल जाती है, जो भाई कहीं से भी विजिबल नहीं होती। अगर आप देखोगे तो आपको कहीं बल्ब वगैरह नहीं दिख रहा होगा, बट भाई इसका फोकस ना एक नंबर है यार। और नीचे आपको मिल जाता है नीचे फॉग लाइट, जो कि भाई ये भी कुछ अलग ही है। मतलब बल्ब आपको कहीं दिखेगा नहीं, बट जलने में बहुत तगड़ा रहता है ये बल्ब। तो कुछ साइड से देख लेते हैं टायर। गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो भाई जो गाड़ी की टायर की प्रोफाइल मिलती है भाई 235/60R18 मिलती है आपको। तो भाई काफ़ी ऊंचा टायर है इस गाड़ी का। और सबसे प्यारी चीज़ मैं इस गाड़ी में आपको दिखाने वाला वो है भाई ये हैंडल्स। रेंज रोवर की बेलार में आपको ये हैंडल देखने को मिलते हैं, जो आपको महिंद्रा की एक सस्ती वाली गाड़ी में देखने को मिल जाता है। मतलब जो आपको 2.5 करोड़ वाले फील आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। हैंडल को जैसे आप प्रेस करोगे ये बाहर आ जाता है, जस्ट पुश इट आउट और ये गेट खुल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सारा फंक्शन काम करता है। इसको बस आपको दोबारा से अंदर पुश कर देना है और ये बंद। ठीक है, कैमरा मिल जाता है। और यहाँ भाई कंपनी से आपको ये फिनिशिंग क्रोम फिनिश वाला यहाँ पे ग्लाइडर आपको लगा हुआ मिलेगा। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाती है इस गाड़ी में। और ये हैंडल की तो हमने बात कर ही ली है, टायर साइज आपको बता ही दिया मैंने। पीछे भाई बहुत तगड़ी, बहुत ही प्यारी आपको यहाँ पे भाई लाइट मिलती है, टेल लाइट पीछे मिलती है। जहाँ आपको पीछे हेलोजन बल्ब मिल जाता है, यहाँ पे आपको पूरी टेल लाइट मिलती है, जो काफ़ी प्रीमियम होने वाली है। नीचे आप यहाँ पे नीचे आपको भाई रियर फॉग लाइट यानी कि रिफ्लेक्टर मिलने वाला। अगर बेस मॉडल खरीदते हो तो रिफ्लेक्टर होगा, अगर आप टॉप मॉडल करते हो तो यहाँ पे आपको रियर फॉग लाइट मिलने वाली है। और यहाँ आपको सेंसर देखने को मिलेंगे भाई, जो कि गाड़ियों में नॉर्मल सी बात है। पीछे आपको डिफॉगर मिल जाता है यहाँ पे, और ये आपको वाइपर मिल जाता है। वाइपर भी इसका गजब है भाई। यहाँ पे आपको 7 एंटीना मिल जाता है, बहुत तगड़ा लगता है भाई देखने में, कोई अलग सा फील देता है अंदर। अब एक चीज़ देखना, बहुत तगड़ी चीज़ है यार इसमें। जैसे जैसे आप गेट खोलोगे ना, सीट आपका वेलकम करती है पीछे जाके। देखो ये पीछे जा रही है पूरी सीट, देख रहे हो भाई, बहुत तगड़ा फीचर है यार ये। अब देखना मैं इधर बैठूंगा ना, गाड़ी सीट आगे भी जाएगी। अब मैं बैठ गया हूँ, गेट मैंने बंद कर लिया, अब देखो ये आगे भी जा रही है। और ये मेरी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से सेट हो गई भाई। बहुत तगड़ा फीचर है यार ये, बहुत ही तगड़ा भाई। ये गाड़ी नहीं भाई, बवाल है यार, बवाल। स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो भाई, पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक पूरी स्क्रीन है। मतलब ऐसा लगता है, आप अगर कैमरे में देखोगे तो आपको लगेगा, अदरवाइज ये फुल नहीं है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन है। मतलब फुल्ली भाई डिजिटल स्क्रीन है ये भाई। यहाँ आपको भाई एड्रेनोक्स की वेजिंग मिल जाती है, और ये आपकी स्क्रीन है भाई, बहुत ही स्मूथ चलती है। मतलब पता ही नहीं चलता है, जैसे आप टाटा वाटा का कनेक्ट नेक्स वगैरह चलाओगे तो आपको लगेगा कितना लैग कर रहा है।
इसकी स्क्रीन ना जरा सी भी लैग नहीं करती, मस्त चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें भाई, मान गए महिंद्रा यार। ठीक है, ये आपका भाई डिजिटल मीटर मिल जाता है, यहाँ पे क्लस्टर बोल सकते हैं जिसको, और यहाँ पे आपकी भाई इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। और अगर प्रीमियम की बात करो तो यहाँ पे आपको लेदर फिनिश में ये आपको पूरा लगा हुआ व्हाइट कलर से मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भाई हार्ड टच में आपको पूरा डैशबोर्ड का फिनिश ऊपर मिल जाता है। सोनी के स्पीकर्स मिल जाते हैं भाई, बहुत मस्त होने वाले हैं। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे भाई ट्रैक्शन ऑन करने का, ट्रैक्शन ऑफ करने का, भाई ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन करने का, सारा कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। एक बहुत ही तगड़ी चीज दिखाता हूँ इसमें, जैसे स्टार्ट इनपुट बटन है, मैंने इसको दबाया, ठीक है, आ गया ये गाड़ी का आपका इग्निशन ऑन हो गया। अब देखना मैं इसका इग्निशन ऑफ करूंगा ना, चला गया, और यहाँ देखो गुड बाय, निकल लो, मतलब गाड़ी आपका वेलकम भी कर दी है, गुड बाय भी कर दी है। यार महिंद्रा क्या ही बना दिया यार। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की भाई, क्या क्या हमको गाड़ी में ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, सारी पावर विंडो रहती है, विंडो लॉक, अनलॉक, चाइल्ड लॉक, सारा कुछ। और यहाँ पे आपके गेट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लॉक करने का, ऑफ करने का, सारा कुछ यहाँ पे हैंडल्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा कुछ। और ये आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो स्टेयरिंग मिलता है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोप दोनों मिलता है, तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो, पूरा कुछ ऊपर नीचे करना हो, बाहर ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको भी वहीं सेट कर देता हूँ, तो आप इसको पूरा एडजस्ट कर सकते हो। और सीट कवर, और यहाँ आपको एडजस्टेबल हैंड रेस्ट मिल जाता है भाई, जो आगे पीछे आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, बहुत ही तगड़ा फीचर है इसमें। और बात कर, और ये आपका भाई धूप, जो भी सेडर बोलते क्या बोलते हैं इसको, मिल जाता है यहाँ पे। और इसमें शीशा नहीं दिया गया है, ग्लास नहीं दिया गया है इसमें, दिया है पैसेंजर के लिए दिया है, और ड्राइवर को तो वैसे भी ड्राइवर मेकअप थोड़े ना करते हैं, लड़कियां चलाएं तो अलग बात है, लड़के थोड़े ना मेकअप करते हैं। और यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं भाई, ये आपको सॉस कंट्रोल मिल जाता है, और ऑफ वगैरह लाइट वाइट का सारा कुछ यहाँ पे कंट्रोल दिया है। यहाँ आपको सनरूफ का कंट्रोल मिल जाता है, तो काफ़ी प्यारा लगता है ये भी। महिंद्रा ना हर चीज़ को एक प्रोफेशनली ठीक करके देता है, मतलब आप देख सकते हो कहीं भी आपको फिटिंग एंड फिनिश में दिक्कत नहीं आएगी, जैसे टाटा के साथ रहती है कि यहाँ ढीला रहता है, इधर ढीला रहता है, यहाँ से निकला होगा, वो सब महिंद्रा के साथ नहीं है। महिंद्रा मतलब जो भी काम है परफेक्ट है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एडजस्टेबल हेडरेस मिल जाता है। स्पेस की बात करो तो काफ़ी स्पेस है, ये ऊपर से लगा हुआ है इसके, तो इसमें अपनी कोई की वगैरह रख सकते हो। और अगर स्पेस की बात करूँ तो भाई ठीक है, मतलब 20-20 रुपए वाली दो कोक की बोतल आराम से आएगी। और ये भाई कूलिंग वाला है, तो मस्त कूलिंग वूलिंग भी होगी इसके अंदर। चलो इसको, चाबी को इसके अंदर ही रख देते हैं, इसके बॉक्स को इसको कर देते हैं बंद। और यहाँ आपको मोड्स कंट्रोल वाला मिल जाता है, यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है, ऑटो होल्ड पार्किंग के बटन यहाँ पे मिल जाते हैं, और गियर शिफ्टर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ये सब जो बटन्स है वो आप कंट्रोल्स कर सकते हो, एसी वैसी के लिए पूरा दिया गया है। और यही सेम ही चीज़ भाई स्कॉर्पियो एन में भी दिया है, मतलब XUV700 से कॉन्सेप्ट उन्होंने उठा लिया है, कुछ अपना अलग दोबारा नहीं डाला है, क्योंकि भाई ठीक है, मतलब रियूजेबल चीज़ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिनिशिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे वुड फिनिश दिया गया है, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है इस गाड़ी में। वैसे तो भाई ये गाड़ी ही प्रीमियम है, मेरा भी सपना था भाई इसको लेने गया था, लेना तो इसको चाहता था, बट भाई मजबूरी, क्योंकि उस टाइम ये अवेलेबल नहीं थी भाई डिलीवरी के लिए, बहुत टाइम था, करीब 6 से 7 महीने की मेरे को वेटिंग बोला गया था, पर इतनी वेटिंग का टाइम नहीं था भाई उस टाइम, ले ली। अब चलो कोई नहीं, आगे कभी देखेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई, अब मैं इस गाड़ी की आपको सबसे प्यारी चीज़ दिखाता हूँ, वो है भाई इसकी सनरूफ। ये देखो, मतलब कितनी लंबी सनरूफ है यार, और देखो पूरी खुलेगी, यहाँ से ना 3 बंदे एक साथ जा सकते, इतना स्पेस है इस सनरूफ के अंदर। ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर से काफ़ी स्पेस है भाई। अब मैं आ चुका हूँ भाई पीछे वाली सीट पे, अगर पीछे वाली सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको डोर के हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप पकड़ने के लिए अपने हैंडल वगैरह हैं,
इस गाड़ी में ना ज्यादातर कॉन्सेप्ट ना स्कॉर्पियो एन वाला ही दिया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सरफेस के स्पीकर्स दिए गए हैं और इधर भी स्पीकर्स दिए गए हैं, तो स्कॉर्पियो एन में सेम ही कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। मतलब ठीक है, कुछ कुछ चीजें उससे ली गई है। अब बात कर लेते हैं पीछे की। भाई ये कुछ आपको हैंडल मिल जाता है मजबूत सा, यहाँ पे आपको शीशे के कंट्रोल मिल जाते हैं ग्लास के, आप ग्लास ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ से आपको खोल बंद कर सकते हो कि दरवाजा ओपन क्लोज करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वही बेंट मिल जाता है, एसी बेंट, ठीक है। यहाँ पे अपना फोन वोन रख सकते हो। सी टाइप आपको यहाँ पे चार्जर मिल जाता है, ठीक है। और ये कुछ इसकी लेदर फिनिश आपको वाइट कलर में मिल जाती है, वाइट है ये, हल्का सा क्रीमी टाइप है, प्योर वाइट नहीं है जैसे इसका ऊपर का वो है। और यहाँ पे आपको आईसो फिक्स का सीट एडजस्टर मिल जाता है, ये पूरी सीट एडजस्ट हो जाती है। अब मैं आपको पीछे का कैबिन दिखाता हूँ भाई, पीछे इसमें कितना स्पेस आपको मिलता है। और ये हो गई भाई फोल्ड, पीछे देख लो भाई, मतलब ये सीट अगर खड़ी हो जाएंगी ना तो आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग ज़्यादातर इसको लिटा के ही रखते हैं, फोल्ड करके रखते हैं, तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे पीछे आपको भाई 12 वोल्ट का सॉकेट जैसे स्कॉर्पियो एन में दिया गया है वही कॉन्सेप्ट है पूरा, बस ये मेरे को थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पर अब यहाँ से एसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वेंट्स को, कि आपको कितनी हवा चाहिए सारा कुछ यहाँ से कम ज़्यादा फैन की स्पीड वगैरह कर सकते हो, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट उधर दिया गया है। गेट भी काफ़ी ठीक, मतलब भारी है, जितना स्कॉर्पियो एन का है उतना भारी नहीं है, आराम से लग जाता है जैसे आप चेक करोगे। सबसे प्यारी चीज़ ना भाई इसमें ये डोर हैंडल्स ही है, मतलब बार बार खेलने का मन करता है इससे, बट एक डर लगता है यार ये कहीं टूट ना जाए बिल्कुल, देखना अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया ऐसा ना लगे टूट ना जाए, तो भाई डर तो है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये चीज़ ज़रूर बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।